अस्सलामुअलैकुम। आज मैं ब्रेकफास्ट में सूजी का हलवा बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा ये डिफरेंट तरीके से। मैंने इसमें एक भगोना चढ़ाया, उसमें देसी घी से मैं बना रही हूँ। मैं हलवा जो सूजी है देसी घी से ही बनाई तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ ले लिया, ये 250 ग्राम सूजी था, इसको मैंने दूध में भिगो दिया था। अब यहाँ मेरा सूजी से अब्जॉर्ब कर लेता है, तब घी गर्म हो गया। अब मैं इसको डाल दूंगी। इसको डाल के मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। मेरा ये 250 ग्राम सूजी है। तो ऐसे बनाने से हलवा बहुत टेस्टी भी बनता है और अच्छा भी बनता है। तो मैं आपको बना रही थी, तो मैं सोचा आपको लोग को भी इसे शेयर कर लूं, ताकि अपने बच्चों को लंच में देने में आप लोगों को भी आसानी हो। और इधर मैं चीनी का किमाम, मतलब ये किमाम नहीं बना रहे, मैं चीनी को अच्छे से बस पका लूंगी, कोई चाशनी वासनी नहीं तैयार करनी है। बस इधर मेरा सूजी भुनेगा और इधर मेरा चाशनी तैयार हो जाएगा। अच्छे से चीनी बस पक जाना चाहिए। हमारी सूजी खूब अच्छे से भुना गई है। अब जो चीनी सिरप बना के रखा था ये डाल दे रहे, देखिए जो चीनी की गंदगी है वो बैठ भी जाती है। मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर भी डाल दूंगी। थोड़ा रिच सा बना रही हूँ। इसमें एक चम्मच घी और डाल देती हूँ। और अपने ड्राई फ्रूट्स है, कोकोनट पाउडर है और किशमिश है, ये डाल दे रही हूँ, ताकि इसे अच्छे से थोड़ा सा ऊपर से गार्निश कर लेंगे। इसमें और थोड़ा सा घी डाल दे रही हूँ। सबको अच्छे से एक से डेढ़ मिनट और भूनूंगी। देखिए मतलब मेरा ये भगोना छोड़ दिया। आपके पास अगर मावा है तो वो भी डाल सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट चाहिए और डाल सकते हैं। तो ये बहुत शानदार सा मेरा हलवा कितना जल्दी तैयार हो गया। हमारा हलवा चूड़ा मूंगफली बनाना और एक हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। आप लोग भी आइए, आप लोगों को भी खिलाऊंगी। और मेरे पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। इस टाइप से हलवा ज़रूर बना के एक बार सूजी का ट्राई करें, बहुत ही अच्छा और टेस्टी यम्मी सब बनेगा। और चलिए।